दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक गुरुवर जंगलों के बीच अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण था, शांत वातावरण था। वहां जो कोई भी जाता था वह अपना दुख भूल जाता था। उस वातावरण की शांति में मन को एक असीम शांति प्राप्त होती थी, जिससे जो भी कोई वहां अपने दुख लेकर जाता वह उसे भूल जाया करता। एक दिन वह गुरुवर अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, हमें अत्यधिक कम बोलना चाहिए। हमारे पास दो कान और एक मुंह है। इसका अर्थ यह है कि हम जितना बोलते हैं उसका दो गुना हमें सुनना चाहिए, और यही प्रकृति भी चाहती है। इसलिए उसने हमें इस रूप में ढाला है। इसलिए इस प्रकृति ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। तुमने देखा होगा कि इस प्रकृति में जिस भी पदार्थ की संख्या अत्यधिक है उस पदार्थ की कीमत उतनी ही कम है, और जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। और यही नियम हमारी जीभा पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलेंगे लोग हमारी बातों को उतना ही गहराई से समझेंगे, हमें उतनी ही गंभीरता से लेंगे। वह हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारी इज्जत भी करेंगे। उन गुरु की यह बात सुनकर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, आपकी बातों को बीच में काटने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, अवश्य पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, यदि हम कम बोलेंगे तो हमारी बात सामने वाला किस तरह से समझ पाएगा? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मान लीजिए कि मुझे किसी को उपदेश देना है और मैं उस उपदेश को थोड़ा ही बताता हूं, अर्थात कम बोलता हूं, तो भरा वह उपदेश उन लोगों को किस तरह से समझ में आएगा? और यदि मैंने उनसे कम शब्द कहे, कम बातें कही और उन लोगों को वह बात समझ नहीं आई, तो वो लोग मुझे गलत समझेंगे। या फिर यह भी हो सकता है कि वो लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाले। और हमने अक्सर अपने आसपास ये भी देखा है कि जब भी कोई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, ऐसे समय पर जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, लोग उसे डरपोक समझते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसे डरपोक समझकर उसका उपहास करते हैं, अपशब्द कहते हैं। लेकिन वह कम बोलने वाला व्यक्ति उनसे कुछ नहीं कह पाता। इसीलिए हे गुरुवर, तो ऐसे समय पर भी क्या हमारा कम बोलना उचित होगा? तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के जरिए तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यधिक धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार, उसका राज्य बहुत फला फूला हुआ था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। प्रजा हमेशा अपने राजा का गुणगान किया करती थी। एक दिन वह राजा भरे राज दरबार में यह ऐलान करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे मन की बात मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बता देगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। राजा ने जो ये ऐलान किया था
यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के हर कोने से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी सभी राजदरबार में उपस्थित होने लगे। कोई कहता कि हे राजन, आप बहुत धनी हैं, तो कोई कहता आप बहुत विद्वान हैं। कोई उनकी राज्य की प्रशंसा करता, तो कोई उनकी वीरता के गुण गाता। कोई उनकी प्रजा के बारे में कहता, तो कोई उनके ज्ञान की बातें करता। लेकिन सभी की बातें सुनकर राजा केवल एक ही बात कहता था, नहीं, इनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है, इनमें से कोई भी बात मेरे दिल की है ही नहीं। सभी ने बहुत प्रयत्न किए, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उन राजा को बताई, लेकिन राजा हर बार केवल एक ही बात कहता था कि जो भी बातें आप लोगों ने कही हैं, ऐसी कोई भी बात मेरे मन में है ही नहीं। यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत निराश हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा के मन में क्या चल रहा है, राजा किस बात से प्रसन्न होंगे और कैसे उन्हें वह 100 सोने के सिक्के प्राप्त होंगे। जहां एक तरफ राजदरबार में बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु उपस्थित थे, वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? राजदरबार में जाओ, राजा ने ऐलान किया है कि जो भी उनके मन की बात उन्हें बताएगा, उन्हें वह 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। यह बात सुनने के बाद से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े ज्ञानी राजा के दरबार में उपस्थित हैं और उन्हें तरह तरह की बातें बता रहे हैं। आप भी वहां क्यों नहीं जाते? आप भी वहां जाओ, राजा को उनके मन की बात बताओ, ताकि राजा प्रसन्न हो सके और आपको इनाम में 100 सोने के सिक्के दे। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, तुम मूर्ख हो क्या? वे लोग राजा के बड़े खास लोग हैं, वो बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, उनके सामने भला मैं क्या हूं? वो काम बड़े बड़े पंडितों का है, बड़े बड़े साधुओं का है, जिसने भी इस दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया होगा, ये उसी के बस की बात है, मेरे बस की नहीं। मैं भला राजा के मन की बात किस तरह समझ सकता हूं? हम गरीब हैं और हमें उस राजदरबार में जाने के लिए भी अनुमति चाहिए, और ऐसे में तुम मुझे उस राजदरबार में भेजना चाहती हो। यदि मैंने उनके मन की बात कह भी दी, तो वो भला हमें 100 सोने के मोहरे क्यों देंगे? अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, ओहो, मुझे कुछ नहीं पता, आप उस राजदरबार में जाइए और जैसा मैं कहती हूं बिल्कुल वैसा कीजिए। जब आप उस राजदरबार में जाएंगे और राजा जब आपकी तरफ देख रहे होंगे, तब आपको पूर्व दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठा देनी है, और मुझे पता है कि राजा बहुत समझदार है, वो आपकी बात जरूर समझ जाएगा और आपको 100 सोने के सिक्के इनाम में देगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अरे तुम मूर्ख हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि पूर्व दिशा में मेरी एक उंगली उठाने से राजा मुझे 100 सोने के सिक्के दे देगा, और वहां पर जो बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी बैठे हुए हैं, वो लोग चुपचाप केवल नजारा देखते रहेंगे, क्या वह कुछ नहीं कहेंगे? इस पर उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, मैंने आपसे जितना कहा है आप बस उतना कीजिए, और आप देखेंगे कि राजा आपको ही 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। ब्राह्मण की पत्नी जैसे तैसे अपने पति को मना लेती है। अगले ही दिन वह ब्राह्मण राजदरबार में पहुंचता है। वह ब्राह्मण बहुत ही डरा सहमा हुआ था, इतने लोगों की भीड़ को देखकर वह बहुत डर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी की बात मानकर उस राजदरबार में उपस्थित रहा, खड़ा रहा।
जैसे ही राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी, वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानते हुए एक उंगली पूर्व दिशा की तरफ उठा देता है। यह देख राजा बहुत प्रसन्न होता है और राजा तुरंत ही उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देता है। यह सब देख वहां पर उपस्थित बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ऐसा इसने क्या कह दिया जो राजा को बहुत अच्छा लगा। हर कोई यह सोचकर हैरान था कि इस ब्राह्मण ने तो केवल एक उंगली ही उठाई थी और इसे 100 सोने के सिक्के मिल भी गए। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित हर कोई अचरज में था और वह ब्राह्मण अपने 100 सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट गया और खुशी खुशी वह 100 सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में रख देता है और कहता है, राजा ने मुझे ये 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए हैं और जैसा कि तुमने कहा था, मैंने पूर्व दिशा की तरफ केवल एक उंगली ही उठाई थी, लेकिन मैं अब तक यह समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या हुआ। उस राजा को मेरी इस एक उंगली से क्या समझ में आया? उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, ये सब जाने दो, आपको यह बात बताकर कोई मतलब नहीं, आप बैठ जाओ और कल फिर आपको उसी राज दरबार में फिर जाना है। यह सुन वह ब्राह्मण कहता है, कल फिर जाना है? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी आज सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे उसकी पत्नी उसे समझा लेती है। अगले दिन वह ब्राह्मण एक बार फिर तैयार होता है और अपनी पत्नी से पूछता है, अच्छा बताओ आज मुझे क्या करना है? तभी उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, आज आपको पश्चिम दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठानी है। वह अपनी पत्नी की बात मानकर फिर से एक बार राज दरबार पहुंच जाता है। जैसे ही राजा की नजर उस पर पहुंचती है, वह ब्राह्मण अपनी एक उंगली पश्चिम दिशा की ओर उठा देता है। यह देख राजा एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है और राजा उन्हें 100 सोने के सिक्के फिर से इनाम में देता है। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित हर कोई बड़ा हैरान था, हर कोई अचरज में था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, हम यहां पर अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, राजा को तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन राजा उससे प्रसन्न नहीं हो रहे, और यह ब्राह्मण है कि केवल एक उंगली उठाता है और राजा उसकी बातों से खुश हो जाते हैं, उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दे देते हैं, और तो और यह कुछ बोलता भी नहीं, चुपचाप आता है, उंगली उठाता है, इनाम लेता है और चला जाता है। हर कोई केवल बस यही जानना चाहता था कि आखिर उस ब्राह्मण को ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं। अगले दिन फिर से वो ब्राह्मण राज दरबार में आता है और अब की बार वो अपनी उंगली उत्तर दिशा की तरफ उठाता है और अब की बार भी राजा प्रसन्न होकर उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। यह सब देख देख कर वहां पर उपस्थित हर बड़ा से बड़ा विद्वान थक चुका था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक उंगली उठाने से राजा किस तरह से प्रसन्न हो जा रहे हैं। यह बात देखकर हर किसी ने यह तय किया कि अब यदि उंगली उठाने से ही उन्हें इनाम मिल सकता है तो वो राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें क्यों करें, बड़ा बड़ा ज्ञान राजा को क्यों बताएं, उससे अच्छा है कि वो सब मिलकर एक ही दिशा की तरफ उंगली उठाएंगे। सभी ने मिलकर यह तय कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह वह ब्राह्मण फिर से राज दरबार में आने के लिए तैयार हो रहा था और वह अपनी पत्नी से पूछता है, बताओ आज मुझे क्या करना होगा? इस पर उसकी पत्नी कहती है, आज आपको कुछ नहीं करना, आज आप घर पर ही बैठे। उस दिन सभी ब्राह्मण, सभी विद्वान, सभी साधु संत वहां पर उपस्थित थे। राजा के आते ही सब खड़े हुए। जैसे ही राजा की नजर उनसे मिली, सभी ने दक्षिण दिशा की तरफ अपनी उंगली उठा दी। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने गुस्से में सभी पंडितों को, सभी विद्वानों को कारावास में डलवा दिया।
और ये देखकर वहां पर उपस्थित हर बड़ा से बड़ा विद्वान आश्चर्यचकित था। वो हैरान था कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी। जब वो ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में अपनी उंगली उठाता है तो उसे 100-100 सोने के सिक्के इनाम में मिलते हैं, और आज जब हमने एक साथ एक ही दिशा की तरफ अपनी उंगली उठाई तो हमने क्या गलत कर दिया। भला राजा क्या समझ रहा है? ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा राज है जो हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं पता? ये उंगली करने वाला कौन सा नया ज्ञान है जो हमने आज तक नहीं सीखा, जिसके बारे में हम में से किसी को आज तक कुछ नहीं पता? जब उन विद्वानों की पत्नियों को यह पता चला कि राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया है, तब उनकी पत्नियां राजा के पास विनती करने आई कि वे उन्हें छोड़ दें, उनसे गलती हो गई। लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी, और जब उन सभी को यह लगने लगा कि राजा उनके पतियों को नहीं छोड़ने वाले, तो वे सभी उसी ब्राह्मण के पास पहुंचे और वहां जाकर वह उनसे विनती करने लगे कि वे उनके पतियों की मदद करें, उन्हें कारावास से बाहर निकालें। राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया है और हमने उनसे कई बार विनती की, आग्रह किया कि वह उन्हें छोड़ दें, उनसे गलती हो गई, लेकिन राजा ने एक न सुनी। इसलिए हम सभी आपके पास आए हैं, कृपया हमारी मदद करें। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार जाती है, और जैसे ही राज दरबार में राजा की नजर उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी पर पड़ती है तो राजा अपनी दो उंगलियां खड़ा करता है, और तभी वह ब्राह्मण की पत्नी अपने पैर पर ताली मारती है। यह देखकर राजा तुरंत ही अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि जाओ उन सभी को कारावास से बाहर निकालो। यह सब देखकर वहां पर जो उपस्थित पंडित थे उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन सी विद्या है, यह कौन सा ज्ञान है। कभी वह ब्राह्मण एक उंगली खड़ी करता है, कभी राजा दो उंगलियां खड़ी करता है, और कभी यह ब्राह्मण की पत्नी अपने टांगों पर ताली पीटती है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सभी मिलकर ये तय करते हैं कि इसका जवाब तो हमें वह गरीब ब्राह्मण ही देगा। इसलिए सभी मिलकर उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, और उन सभी पंडितों में से एक पंडित उन गरीब ब्राह्मण से कहता है, आप ही हमें बताइए ये कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते। आपको भला राजा ने इतनी बार इनाम क्यों दिया, और जब हमने आपकी तरह एक दिशा में उंगली उठाई तो हमें कारावास में डाल दिया, और जब हमारी पत्नियां हमें छुड़ाने आई उन्होंने राजा से विनती की, राजा से आग्रह किया कि वह हमें छोड़ दें, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। और जब आपकी पत्नी उसी राज दरबार में आती है तो उनके केवल एक आदेश पर, उनके केवल एक इशारे पर राजा हमें कारावास से छोड़ देता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर आपने ये सब कैसे किया? क्या आप हमें भी ये ज्ञान दे सकते हैं, क्या आप हमें भी ये विद्या सिखा सकते हैं? उन सभी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन सभी से कहता है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, यह सब तो मेरी पत्नी का किया धरा है। ये सब ज्ञान तो उसने ही मुझे दिया है, और उसने जैसा मुझसे कहा मैं वैसा करता चला गया। तभी वह ब्राह्मण की पत्नी उन पंडितों से कहती है, मैंने पहले दिन अपने पति को कहा था कि वह पूरब दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठाए, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि राजा का पूरा राज्य पूर्व दिशा में फैला हुआ है, और पूर्व दिशा में उनका यह राज्य अटल रहे, अचल रहे। कुछ यही बात राजा के मन में भी चल रही थी, जो राजा के दिल की बात थी। इसलिए राजा प्रसन्न हुआ, और राजा ने मेरे पति को 100 सोने के सिक्के दिए। दूसरे दिन जब मेरे पति आए तो मैंने उन्हें कहा कि तुम आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठाना,
जिसका अर्थ यह था कि आपका राज्य सूरज के उगने से ढलने तक के बीच में आप ही का राज रहेगा। यह बात राजा समझ चुके थे, क्योंकि राजा बहुत ज्ञानी है। इसी कारण राजा ने फिर से प्रसन्न होकर मेरे पति को 100 सोने के सिक्के दिए। तीसरे दिन मैंने अपने पति को यह कहा था कि वह उत्तर दिशा की ओर अपनी उंगली उठाएं, और इन्होंने राजदरबार में बिल्कुल वैसा ही किया। उत्तर दिशा की तरफ उंगली उठाने का अर्थ यह था कि जिस प्रकार इस राज्य के जो पहले राजा थे उनका राज्य अटल था, ठीक उसी प्रकार आपका राज्य भी अटल रहेगा। और यह बात भी राजा के मन की ही थी, जिस कारण राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 100 सोने के सिक्के इनाम दिए। लेकिन चौथे दिन जब मेरे पति तैयार होकर राजदरबार के लिए निकल रहे थे, तब मैंने इन्हें मना कर दिया। मैंने इन्हें घर पर ही बिठा दिया, क्योंकि मैं जानती थी अब आगे हमें कोई भी 100 सोने के सिक्के नहीं मिलने वाले। उनके मन की जो भी बातें थी वो हमने पहले ही कर दी थी। लेकिन उसी वक्त आप लोगों की मूर्खता के कारण आप सभी ने दक्षिण दिशा की तरफ उंगली उठा दी, और इधर तो राजा रावण का राज्य चला गया, उसे मार दिया गया था। इसलिए राजा ने इसे एक गलत निर्देश समझा, एक गलत संदेश माना, और आप सभी को कारावास में डाल दिया। तभी उन सभी पंडितों में से एक पंडित यह कहता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन आपने हमें बाहर कैसे निकाला, जबकि राजा ने तो हमें बाहर निकालने से मना कर दिया था। तभी वह ब्राह्मण की पत्नी कहती है, जब मैं अपने हाथों में चारा लेकर राजदरबार पहुंची तो राजा ने 2 उंगली खड़ी कर दी, और मैं उनका संदेश समझ चुकी थी, इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर ताली पीटी, जिसका अर्थ यह था कि ये तो केवल जानवरों के जैसे हैं, ये तो केवल खाने वाले हैं। राजा का अर्थ यह था कि जानवर तो 2 प्रकार के होते हैं, सिंह वाले और बिना सिंह वाले, और मेरे ताली पीटने का अर्थ यह था कि ये तो बिना सिंह वाले हैं और इनसे आपको कोई नुकसान नहीं, यह तो केवल खाने वाले जानवरों में से हैं, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी कारण राजा ने आप सभी को कारावास से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर उन गुरु ने अपनी ये कहानी यहीं पर समाप्त कर दी, और आगे वो अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हम कम से कम शब्दों में भी किसी को बड़ा से बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि हम कम से कम शब्द बोलकर अपना ज्ञान किसी को भी समझा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और समझने वाली यह है कि जो ज्ञान अर्जित कर रहा है, जिसे हम ये ज्ञान दे रहे हैं, वह भी उस ज्ञान को समझने वाला होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, तभी तो ज्ञान देने का हमारा मकसद पूरा हो सकेगा। अन्यथा हम चाहे कितने भी शब्द बोल लें, उसे कितना भी समझा लें, उसे कितना भी ज्ञान क्यों ना दे दें, हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह हमारी बातें कभी समझ ही नहीं पाएगा। वह तो एक जानवर की तरह होगा, जिसे ज्ञान देकर हमारा कोई लाभ नहीं होगा। अज्ञानी को ज्ञान देकर हमें कोई लाभ नहीं। हाँ, यदि आप अज्ञानी को ज्ञान देना ही चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप ज्यादा शब्दों का उपयोग करें, आप बहुत कम शब्दों में भी उसे वह ज्ञान दे सकते हैं। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हमें अपने जीवन में इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। जब भी कोई इन 5 परिस्थितियों के समय पर बहुत कम बोलता है या फिर बोलता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को इज्जत दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें एक अलग नजर से देखा जाता है। ऐसे लोगों को लोग ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कब और कहां बोलना है और कितना बोलना है। सबसे पहली बात बताते हुए बगुरवर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे शब्दों को नहीं समझ पा रहा, ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही उचित है, क्योंकि हमें से अधिकांशतः लोग बेवजह ही अपने दुख, अपनी पीड़ाएं, अपनी तकलीफें लोगों के साथ साझा करने की आदत होती है, लेकिन वो यह नहीं जानते कि जिन्हें वो अपनी तकलीफें साझा कर रहे हैं
उन्हें आपकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं। वह तो आपकी तकलीफों का फायदा उठाना चाहते हैं। वह तो आपकी तकलीफों को सुनकर मन ही मन खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह पता चल चुका है कि जितना खुश वो आपको समझते थे, जितना सुखी वो आपको समझते थे, आप अंदर से उतने सुखी हैं नहीं। आपका सुख चैन लूट चुका है, और यह जानकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। वो बहुत खुश होते हैं, और ऐसे समय पर वो आपका साथ भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी एक दुखी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, जब आपको लगे कि मुझे अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को किसी के साथ साझा करना चाहिए, तो ऐसे समय पर आप अपने कुछ करीबी, खास परिवार के सदस्यों या फिर कुछ ऐसे खास मित्रों से अपनी बात साझा कर सकते हैं जिन पर आपको पूरा यकीन हो। और अन्यथा यदि आप किसी और के साथ अपने मन की ये बातें साझा करेंगे तो वो लोग आपको बेवकूफ़ी समझेंगे, और ऐसे समय पर आप केवल मजाक के पात्र ही बनेंगे। दूसरी जगह जहां पर हमें चुप रहना चाहिए, जब हमें किसी विशेष मौके के बारे में अधूरी जानकारी हो, किसी विशेष घटना के बारे में जब हम नहीं जानते, जब हमें अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर हमेशा चुप रहना चाहिए। हमें से अधिकांश लोगों को ये शौक होता है कि वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें, लेकिन अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें उस विषय के बारे में अधूरा ज्ञान होता है, जिस कारण वो हर समय लोगों के बीच मजाक का पात्र बनते हैं। लोग उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को लोग कभी गंभीरता से नहीं सुनते, उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेते। जो भी बातें हमने इधर उधर से सुनी है, जिनका हमें ज्ञान नहीं है, उन बातों को लेकर हमें कभी भी दूसरों को नहीं समझाना चाहिए, ना ही अपनी बातों को दूसरों से मनवाना चाहिए। आगे वह गुरुवर अपने शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसे समय पर तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी किसी का नहीं होता। तुम जिस नकारात्मक बातों का हिस्सा बनने जा रहे हो, वो नकारात्मक बातें तुम्हारे मन में प्रवेश करती चली जाएंगी, और धीरे धीरे ये नकारात्मक बातें तुम पर हावी होने लगेंगी, और फिर तुम भी उसी की तरह नकारात्मक बातें सुनने लगोगे, सोचने लगोगे और करने लगोगे। इसलिए कभी भी इन चीजों का हिस्सा ना बने, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी बुराई उस तीसरे व्यक्ति के सामने ना कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति कभी किसी के नहीं होते, वह पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते ही रहते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो तुम्हें उसकी बातें केवल ध्यानपूर्वक सुननी है, लेकिन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी। आगे वह गुरुवर अपने शिष्यों को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम पर गुस्सा कर रहा हो, तुम पर चिल्ला रहा हो, तुम्हारा अपमान कर रहा हो, तुम्हें अपशब्द कह रहा हो, ऐसे वक्त पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मौन से बड़ा और कोई हथियार नहीं। तुम चुप रहकर उसके सभी सवालों का जवाब उसे दे सकते हो, और तौर तुम चुप रहकर उसके गुस्से को शांत करने में उसकी मदद भी कर सकते हो, और ऐसा करने से तुम इस परिस्थिति को और बिगड़ने से बचा सकते हो। और देखना, जब वह गुस्सा करने वाला व्यक्ति शांत होगा, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा, और वह तुमसे माफी भी मांगेगा। इसलिए तुम्हें ऐसी जगहों पर चुप रहना चाहिए, किंतु तुम्हें हर जगह पर चुप भी नहीं रहना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो, तो उसका विरोध करो, शांत मत रहो, क्योंकि यदि तुम ऐसी परिस्थिति में चुप रहोगे, तो वह तुम्हें कमजोर समझेगा, तुम्हें डरपोक समझेगा, और तुम्हारे इस कमजोरी का फायदा भी उठाएगा। गुस्से का ये जो तरीका है, ये केवल अपनों के साथ ही अच्छा है, जैसे तुम्हारा परिवार, सगे संबंधी, तुम्हारे खास मित्र। लेकिन हर इंसान के सामने तुम्हें ऐसे नहीं रहना। यदि तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा हो, तो इसका जवाब तुम्हें उसे अवश्य देना चाहिए। आगे वह गुरुवर अपने शिष्यों को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात, कोई घटना या कोई दुख भरी बातें
तुम्हारे साथ साझा कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें चुप रहकर ध्यानपूर्वक उसकी सारी बातें सुननी चाहिए। आपने तो देखा ही होगा, जब हम अपनी परेशानी किसी के साथ साझा कर रहे होते हैं, उसी वक्त हमारा कोई ऐसा मित्र या फिर कोई ऐसा सगा संबंधी अवश्य होता है जो हमारी बात पूरी करने से पहले ही हमें समाधान देना शुरू कर देता है। और जब कोई ऐसा करता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, हम उस व्यक्ति से बात तक करना पसंद नहीं करते। जबकि ऐसी परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हमसे यही उम्मीद करता है हम शांत रहकर उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुने, जिससे जब वो अपनी बात पूरी करे तो उसे शांति का अनुभव हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके मन में हमारे लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। वो ये जान पाता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है, हमें समझता है, जिससे वह तुम्हारी और भी इज्जत करता है, वह तुम्हारा और भी सम्मान करने लगता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें चुप रहना चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर आगे कहते हैं कि इन पांच स्थितियों को हमेशा याद रखना, और यहां पर इंसान को हमेशा कम ही बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान एक दुकान की तरह है और दुकान का ताला है हमारी जीभा। और जब इस ताले से हमारी दुकान खुलती है, अर्थात हमारे अंदर की बातें जब बाहर आती हैं, तभी पता चलता है कि ये इंसान अंदर से कोयले का है या फिर सोने का। इसलिए कम बोलें, लेकिन अपने शब्दों की कीमत बढ़ा दें। और ये तभी होगा जब आप हर परिस्थितियों में सोच समझकर बोलेंगे, कम बोलेंगे और उचित बोलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।